सच बताऊं, जब तक गुरुदेव के चरणों में नहीं पहुंची थी, मुझे नहीं लगता मैं जो थी जो हूं वो उस समय भी थी। लेकिन जिस दिन से, मैं बड़ी शान से बोलती हूँ, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, मेरे बालाजी का आशीर्वाद मिला, अब मुझे कहीं बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूँ। और ये मेरी कोई अकेले की बात नहीं है, ये हम में से कोई भी, हम में से कोई भी हो, जिस दिन जब तक इनके दरबार नहीं गए थे, क्या हम जो है आज वो क्या थे? नहीं, इनकी दया दृष्टि पड़ गई। अब जिस गली से निकल जाते हैं, जिस राह से निकल जाते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कौन है। देखने वाला समझ जाता है कि भैया ये पक्का श्री बालाजी महाराज का सेवादार है। कुछ दे चाहे ना दे, लेकिन जय श्री राम जरूर दे देता है। जय श्री राम जरूर दे देता है। और ये नशा भी ऐसा, लोग, मुझे गुरुदेव बहुत खुशी होती है कि जब नई जनरेशन के भी लोग कीर्तन में आते हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि देखती हूँ आजकल के माहौल को कि आजकल जो हो रहा है, नई जनरेशन नशे की ओर बहुत जा रही है। लेकिन जब वही जनरेशन कीर्तन में दिखती है, तो मुझे ये लगता है मेरा भजन गाना सार्थक हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है कि वो उस नशे की ओर नहीं, वो इस नशे की ओर आ रही है, वो इस नशे की ओर। और नशा भी ऐसा, जब घर से आते हैं तो टाटा बाय बाय करते हुए आते हैं कि भैया कीर्तन में जा रहे हैं, लेकिन जब कीर्तन से जाते हैं तो टाटा बाय बाय तो कोसों दूर रह जाती है, बस एक ही बात रहती है कि भैया जय श्री राम। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ आज के कीर्तन में मुरादाबाद की, जे तो ऐसा जादू चढ़ गया, वैद्य के पास ले जाया जाता है उसको। नब्ज जो देखी वैद्य ने बीमार लिख दिया, नब्ज जो देखी वैद्य ने बीमार लिख दिया, और बीमारी का नाम उसने सांवरे का प्यार लिख दिया। मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं उस अपने हकीम पे, मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं उस अपने हकीम पे, जिसने दवा का नाम तेरा दीदार लिख दिया।